हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए यहाँ पर जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, अकाउंट अपीयरेंस ऑनलाइन फॉर्म है इसका 150 जो कि पोस्ट है इसके बारे में। तो दोस्तों, जो पोस्ट है यहाँ पे अकाउंट्स अपीयरेंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इसका जो स्टार्ट होगा 13 नवंबर 2018 और लास्ट डे है इसका एप्लीकेशन के 27 नवंबर 2018। तो दोस्तों, आज एग्ज़ाम डेट है दिसंबर और जनवरी 2018 में होगा। और डाउनलोड की कॉल लेटर या आपका जो एडमिट कार्ड, आप 10 डेज पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन आप उसी दिन में आपको जो कि आपका कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते। वैकेंसी है 150, अनरिजर्व के लिए 87, एससी के लिए 32, एसटी के लिए 9 एंड ओबीसी के लिए 22, पीडब्ल्यू के लिए 3। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं अभी वैकेंसी जो है वहाँ पे मैं स्टेट वाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट जो स्टेट है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए 9 पोस्ट है, आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न के नॉर्थ स्टेट के लिए 5, बिहार झारखंड के लिए 10, गुजरात के लिए 7, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ के लिए 12 एंड कर्नाटका के लिए 9, केरला के लिए 4, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के लिए 8, महाराष्ट्र एंड गोवा के लिए 19, दिल्ली एंड एनसीआर के लिए 10, उड़ीसा के लिए 4, राजस्थान के लिए 8, तमिलनाडु के लिए 12 एंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए 8 एंड वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के लिए 25। सो टोटल होता है 150 जो कि पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या होगा और किस तरह से आप जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी प्रोसेस सर्टिफिकेट प्रूफ पासिंग क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन एग्जामिनेशन एज ऑन 1 नवंबर 2018। अ कैंडिडेट मास्ट परसेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन कॉमर्स डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 60% मार्क्स इन अ डिग्री एग्जामिनेशन और 55 फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा कॉमर्स स्ट्रीम से 60% मार्क्स लेके जो लोग जनरल है ओबीसी है और 55% फॉर एससी एसटी। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया हुआ है मस्ट हैव क्वालिफाइड द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन कॉन्फरेंट बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मस्ट हैव क्वालिफाइड द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन कॉन्फर्म्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ मास्टर क्वालिफिकेशन एज एमबीए फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ कि सैलरी आपको क्या रहेगा। 25,000 पर मंथ आपका जो सैलरी रहेगा और सेकेंड ईयर के बाद आपको 30,000 पर मंथ आपको सैलरी रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद अभी आप लोगों को बताऊंगा कि एज लिमिट के बात करें तो यहाँ पे कितना एज लिमिट होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 21 ईयर्स जो कि मिनिमम एज होगा और 27 जो कि आपको मैक्सिमम एज रहेगा। तो 27 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे पोस्ट नेम ऑफ टेस्ट जो कि होगा, आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा उसके बाद। तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो द सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट द फॉलोइंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि सीबीटी होगा 200 मार्क्स के लिए, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सीबीटी के ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो कि सिलेक्शन होगा। आपका जो कि आपको सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेकेंड है जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, फोर्थ कंप्यूटर नॉलेज, फिफ्थ जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। टोटल मार्क्स आपका होगा 200 इस एग्ज़ाम होगा। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ और क्या क्या यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ देना होगा आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए। 100 रुपीज़ की आपको एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड अदर्स जो कैंडिडेट है उसके लिए 600 रुपीज़ आपको देना होगा। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ एग्जामिनेशन सेंटर आपको क्या क्या पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा जो स्टेट वाइज जो है। फर्स्ट जो है स्टेट आंध्र प्रदेश, इसके सेंटर रहेगा विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम,
तिरुपति गुंटार, आसाम के लिए यहाँ पे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, अरुणाचल प्रदेश के लिए नाहरलगुन, बिहार के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़, मोहाली, छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर, बियालाई, और दिल्ली के लिए दिल्ली NCR, गोवा के लिए पनाजी, गुजरात के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, हरियाणा के लिए हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, और हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला, हरिमपुर, मंडी, कांगड़ा, जम्मू एंड कश्मीर के लिए श्रीनगर, जम्मू, सांबा, झारखंड के लिए रांची, जमशेदपुर, कर्नाटक के लिए बेंगलुरु, हाबली, मैंगलोर, मैसूर, गुलबर्ग, एंड केरला के लिए एनकुची एंड कोलाम, त्रिशूर, मध्य प्रदेश के लिए भोपाल, इंदौर, गोलार, जबलपुर, महाराष्ट्र के लिए मुंबई, नवी मुंबई, थाने, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नासिक, मणिपुर के लिए इम्फाल, मेघालय के लिए शिलांग, मिजोरम के लिए ऐजोल, नागालैंड के लिए कोहिमा, उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, ब्रह्मपुर, पुंडिचेरी के लिए पुंडिचेरी, पंजाब के लिए पटियाला, जालंधर, लुधियाना, भाटिंडा, राजस्थान के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सिक्किम के लिए गैंगटॉक, और तमिलनाडु के लिए चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, तेलंगाना के लिए हैदराबाद एंड रंगेड्डी, और वारंगल, त्रिपुरा के लिए अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, अलाहाबाद, कानपुर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, उत्तराखंड के लिए देहरादून, रौकी, हल्द्वानी, वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, सिलीगुड़ी, आसनसोल, और आंदामान एंड निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों सॉरी फ्रेंड, अगर कोई भी मैं प्रोनाउंसिएशन अगर यहाँ पे कोई गलत करती हो तो आप लोग मेरे को सॉरी क्षमा कर दीजिए। तो इसके साथ साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका जो लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके जो कि अप्लाई कर सकते। दोस्तों आज के लिए यही है, अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।